हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम एक भोले भक्त की कथा सुनेंगे। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं आश्रम में रहने लगा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुन सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ स्थान पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ़ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया, और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया, बाद में खोल कर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा रहा।
अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है, तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज़ उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा, आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी यानी सीता जी अब रसोई में काम करेंगी और चाचा जी यानी लक्ष्मण जी घर की साफ सफाई करेंगे, भैया जी हनुमान जी यानी शरीर से मजबूत हैं, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, पिताजी यानी राम जी आप बाज़ार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सब ने कहा, ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे के जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी? संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए हैं होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया
तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। जय श्री राम। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।